हाय एवरीवन दिस इज विका आज हम बात करने करने वाले हैं प्लान बी की अभी प्लान बी क्या है बेसिकली रेलवे सोच रहा है कि हम प्लान बी पूरे देश में इंप्लीमेंट करेंगे इसके बारे में मैं आपको प्लान बी के बारे में डिटेल में बताऊँगी आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम या टेलीग्राम कहीं पर भी पी आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा अब ओके okay. प्लान बी मत समझिएगा इसको जैसे हम प्लान ए प्लान बी की बात कर रहे हैं सो दिस इज बी ई यानी मधुमक्खी वाला बी ये है अब यूनियन मिनिस्टर जो रेलवेज के लिए हैं उन्होंने कहा कि हम देश में एलिफेंट्स को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए प्लान बी को पूरे देश के रेलवेज के लिए इम्प्लीमेंट करेंगे अब जैसे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि वहाँ से ट्रेन आ रही है और यहाँ से एलिफेंट जा रहा है इस तरीके के बहुत से हादसे हमारे देश में हुए हैं जहां पे ट्रेन्स की वजह से एलिफेंट्स उनसे टकरा जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है अब एलिफेंट्स को सेफ रखना भी हमारा काम है इसलिए प्लान बी की बात की जा रही है एलिफेंट्स को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए ये क्या प्लान है ये हम डिस्कस करेंगे प्रिंट मीडिया में भी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं प्लान बी कोई नया प्रपोजल नहीं है बल्कि इसको पहले ही जो नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवेज़ है नॉर्थ ईस्ट में इसको अडाप्ट करके देखा गया है इसको तब इसीलिए अडाप्ट किया गया था और जैसे मैं आपको इसका प्रक्रिया बताऊंगी कि इसका क्या मतलब है इसमें बेसिकली क्या करते हैं ग्रुप ऑफ बीज की जो आवाज़ है वो वहाँ पे उसको मिमिक करते हैं उसको वहाँ पे निकालते हैं ताकि के एलिफेंट्स ट्रैक से दूर रहें अब एलिफेंट्स को बी से बहुत इरिटेशन होती है मधुमक्खियों से बहुत इरिटेशन होती है बी तो एक छोटा सा जानवर है और एलिफेंट इतना बड़ा लेकिन उसका जो तो स्टिंग है वो कितना इरिटेटिंग होता है तो अगर उसकी ट्रंक में एलिफेंट की वो काट जाता है तो एलिफेंट्स गेट्स वेरी इरीटेटेड तो उसकी आवाज़ से वो वैसे ही दूर रहते हैं तो उसकी हेल्प से हमने कोशिश की थी आज से कुछ साल पहले इस प्लान को लाने की नॉर्थ फ्रंटियर जो हमारे रेलवेज हैं नॉर्थ ईस्टर्न वाली साइड में उसको अडॉप्ट किया था कि देखते हैं कि कि ये प्लान वर्क करता है या नहीं करता अब फाइनली आफ्टर टू थ्री इयर्स ऑफ एडॉपशन ऑफ दिस प्लान बी हमको लगा कि हाँ ये उस एरिया में काफ़ी सक्सेसफुल रहा है प्लान बी और अब वक्त है कि हम इसको पूरे देश में आ, इस मेथड को अपनाएं ताकि एलिफेंट्स रेलवे ट्रैक से दूर रहें क्योंकि एक सक्सेसफुल प्लान प्लान बी निकल के सामने आया है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में हमने देखा नॉर्दर्न uh, फ्रंटियर बोल रही हूँ सॉरी दिस इज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की बात मैं कर रही हूँ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जो है वहाँ पे ये यूनिक मेथड बहुत सक्सेसफुल जो रहा है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन की अगर आप बात करें अब प्लान बी क्या है इसमें इस तरह के डिवाइसेस रेलवे ट्रैक के साथ लगाए जाते हैं जैसे मैंने कहा ना बीज की आवाज़ ओके okay? तो ये डिवाइसेस इसी तरह की आवाज़ इनसे आती है ये डिवाइसेस रेलवे ट्रैक के साथ सेट किए जाते हैं तो जैसे बीज की बजिंग साउंड होती है जैसे ग्रुप ऑफ़ बीज आ रहा हो तो उनकी भिन भिनाने की आवाज़ जो होती है वो रिकॉर्ड करके यहाँ पर चलाई जाती है और एलिफ़ेंट्स इससे इरिटेट हो जाते हैं जो बजिंग साउंड बीज उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती इसलिए वो इस साउंड से दूर रहने की कोशिश करते हैं तो यही तो हम चाहते हैं कि वो रेलवे ट्रैक से दूर रहें इसलिए बजिंग साउंड क्रिएट करके हम एलिफ़ेंट्स को बचा सकते हैं ताकि वो एलिफेंट सॉरी रेलवे ट्रैक से दूर रहें और उनसे टकराए ना अब ये जो साउंड है ये चार मीटर दूर से सुनाई देती है तो अगर चार मीटर की दूरी से सुनाई दे रही है तो काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि एलिफेंट्स रेलवे ट्रैक्स पर नहीं आएंगे इस डिवाइस की अगर हम बात करें पहली बार इसको कहाँ इंस्टॉल किया गया कामाख्या स्टेशन असम। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की बात कर रहे हैं कमाख्या कामख्या स्टेशन असम में इसको इंस्टॉल किया गया और आज ये जो डिवाइसिस हैं सबसे पहले वहाँ पे किया गया और उसके बाद ये डिवाइस अराउंड 56 सिक्स पे और भी इंस्टॉल किए गए ये प्लेस जो भी हैं ये प्लेसेस जो भी हैं ये आपके नॉर्थ फ्रंटियर रेलवेज के अंदर सारी आती हैं और प्लान बी ने अराउंड नाइन एलिफेंट्स को इसके चलते बचाया होगा जब से हमने नॉर्थ ईस्ट में इसको अपनाया है तो नाइन फिफ्टी इज इज ह्यूज नंबर जो पहले कभी शायद रेलवे से टकराने से बहुत ज्यादा एलिफेंट्स की डेथ होती थी अब जो पहला इस तरह का डिवाइस इंस्टॉल किया गया है लेवल क्रॉसिंग गेट है आ, एन एन टू सेवन फोर एंड कमाख्या स्टेशन के बीच में रंगिया डिवीजन के अंदर ही आता है नॉर्थ ईस्ट की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे इसको एग्जैक्ट लोकेशन बता रही जहाँ पे इंस्टॉल किया गया था अब इस तरह की प्लान की क्या ज़रूरत है तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं आपको डेटा के बारे में बताऊँगी क्योंकि ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ एलिफेंट्स टकरा जाते थे रेलवे से आ, रेल से अब एलिफेंट रेपेलेंट की तरह इसको यूज़ किया जा रहा है क्योंकि 67 सेवन जम्बोज जो हैं वो ट्रेन से टकरा के उनकी डेथ हो गई 2013 और 2019 के बीच में तो ये डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और ये जो केसेस हैं यूजुअली कहाँ से आते थे असम और वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा ये केसेस रिपोर्ट किए गए थे ये देखिए प्रिंट मीडिया में भी आप देखेंगे 16 और 2019 के बीच भी 61 वन एलिफेंट्स ट्रेन से हिट होके उनकी डेथ हो गई अब देखिए वैसे भी आपने एक चीज़ और हम डिस्कस करते हैं एलिफेंट कॉरिडोरस राइट कि एक नेचुरल इन्वायरमेंट है जैसे कि रेलवे ट्रैक बीच में से गुजर रहा है इस तरफ एक नेचुरल हैबिटेट है इस तरफ भी नेचुरल हैबिटेट है तो एलिफेंट्स को क्रॉस करना उनको नहीं पता है कि ये रेलवेज हैं तो वो क्रॉस करेंगे वो उनका एक नेचुरल नेचर है एलिफेंट्स को क्रॉस करने के लिए हम हमेशा एलिफेंट कॉरिडोर्स बनाने की बात करते हैं क्योंकि कभी बीच में रेलवे ट्रैक आता है कभी रोड्स आती हैं uh, तो ट्वेंटी नाइन ईयर एलिफेंट कॉरिडोर्स जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं आपके आ, न, ये नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे जोन में जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज जो हैं आपकी जिसमें बिहार वेस्ट बंगाल आपका आता है और ये ट्रेन्स को यहाँ पे ये भी हिदायत दी गई है कि इन कॉरिडोर से गुजरते हुए जो ट्रेन चला रहा है लोको पायलट वो उसकी स्पीड कम कर दे और स्पेसिफिक साइंस को समझे कि यहाँ पे स्पीड कम करनी है एलिफेंट्स जो है नॉन कॉरिडोर एरिया से गुजरते हैं ये हमने देखा है इसी वजह से उनकी डेथ होती है इसलिए वहां पे स्पीड कम करने की बात की जाती है 2009-2029 के बीच में का डेटा अगर आप देखेंगे 186 एटी सिक्स एलिफेंट्स की डेथ हुई है और असम में ये नंबर सबसे ज्यादा आपको असम से आते हुए दिखेगा और भी मेजर्स हैं एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जैसे रेलवे ट्रैक जहां जहां से गुजर रहा है उसके साइड पे जो वेजिटेशन है उसको आप क्लियर रखें ताकि पायलट जो है लोको पायलट जो है वो क्लियरली आगे देख सके कि एलिफेंट तो नहीं आ रहा है वो ट्रेन रोक दे स्पीड कम कर दे ओके तो इस तरह की साइनेज बोर्ड जो हैं वो भी यूज़ किए जा रहे हैं लोको पायलट्स के लिए ओवर uh, पास और अंडर पास बनाए जा रहे हैं एलिफेंट्स के गुज़रने के लिए जैसे मैंने एलिफेंट कॉरिडोर की बात की कि बीच में कभी रोड जाती हैं कभी रेलवेज आते हैं तो आप कॉरिडोर बनाइए कि ऊपर से पास कर जाएं ओवर पास या फिर अंडर पास नीचे रेलवे uh, ट्रैक के या फिर रोड के नीचे से गुजर जाएं सेफ़ पैसेज एलिफेंट्स को मिले और डेफिनेटली अगेन यहाँ पे भी इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि इस तरह के वालरबल स्ट्रेचेस में जो स्पीड है वो कम कर दें स्पेशली सनसेट के टाइम पे और सनराइज़ के टाइम पे जब सूरज उदय हो रहा है या सूरज अस्त हो रहा है उस वक्त आप स्पीड कम रखें तो वैसे ट्वेंटी एट यहाँ पर आपको कॉरिडोरस देखने को यहाँ पे मिलेंगे ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जैसे ब्रह्मगिरी नीलगिरी ईस्टर्न घाट्स में आ, कितने एलिफेंट्स हैं इस एरिया में आप देख सकते हैं और उसके साथ ट्वेंटी एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं तो बहुत सारे एलिफेंट कॉरिडोर्स बनाए गए हैं और भी रीज़न है इको ब्रिज भी सल्यूशन है एलिफेंट को बचाने के लिए इस तरह से इको ब्रिजेस क्रिएट करना काइंड ऑफ ओवर पास या अंडर पास जिस तरह से हम क्रिएट करते हैं तो रोड्स के ऊपर से देखिए जैसे ये इको ब्रिज जा रहा है तो एलिफेंट्स वहाँ से क्रॉस कर सकता है ये नेचुरल कॉरिडोर्स हैं लिंक्स हैं जो दो वाइल्ड लाइफ जोन्स को आपस में जोड़ते हैं और इनको एलिफेंट कॉरिडोर एरिया में ही बनाया जाता है अक, क्योंकि रेलवे की कंस्ट्रक्शन से और रोड्स की कंस्ट्रक्शन से जो मूवमेंट है एलिफेंट की वो हैम्पर होती है एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में जाने के लिए तो इस तरह के नेचुरल लिंक जो हैं वो उनको कॉरिडोर से क्रॉस करने में मदद करते हैं आई होप कि आपको प्लान बी जो है वो समझ आया होगा अगस्त ट्वेल्व को हम वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाते हैं क्वेश्चन आपके लिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दीज आर थ्री सब स्पीशीज ऑफ एशियन एलिफेंट्स विच आर इंडियन सुमात्र श्रीलंकन दे आर टू सब स्पीशियज ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं यही था आज का लेक्चर थैंक यू सो मच